हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीजा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज के इस Q&A सेशन में आप सभी का स्वागत है। आपकी तरफ से जो भी मैसेज, जो भी कमेंट्स आते हैं हमारी Q&A सेशन की वीडियो में, हम कोशिश करते हैं उसका आंसर देने की। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, फिर चाहे वो स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, स्पाउस वीजा या कैनेडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री के रिलेटेड है, तो आप हमारी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करिए। नेक्स्ट Q&A सेशन में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ अपनी फाइल प्रोसेस करना चाहते हैं, मुझे मिलना चाहते हैं या हमारी टीम से मिलना चाहते हैं, तो हमारे दोनों ऑफिस बठिंडा, अबोहर, आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमें मिल सकते हैं। अगर आप नहीं विजिट करना चाहते, ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड जो भी बेस्ट ऑप्शंस होंगी वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आज इस Q&A सेशन की जो वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है सौरभ पटेल जी का। टॉफल स्कोर 111 आउट ऑफ 120, प्लाई इन एनवायरमेंटल साइंस, सॉल्ट मेरी एल्गोमा यूनिवर्सिटी, कंप्लीट ग्रेजुएशन 2019 विद 75% चांस, 75% चांस वीजा फॉर सितंबर। सौरभ पटेल जी, टॉफल का जो सक्सेस रेट है कनाडा में वो काफ़ी कम है, मगर मैं फिर भी आपके लिए, क्योंकि आपका टॉफल का स्कोर अच्छा है, तो आपके लिए उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर वीजा आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है जैनल का। सर, आई लॉन्च फाइल ऑन 9th अप्रैल, SGS फाइल IELTS 6 ओवरऑल बैंड, 12th साइंस 2020 विद मैथ्स, 10th 2018 विद 82% अटैच रेलिवेंट फंड्स, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज कोर्स इज एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एनालिसिस, हाउ मच चांसेस दैट आई गॉट PPR। जनरल, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, कोई इशू नहीं है, 2020 पास आउट है। जो बच्चे 2020 पास आउट है, मैं उन सभी को कहता हूँ कि आप अपने 2 से 3 साल का जो आपका गैप बनता है सितंबर 2022 तक का, उसको जरूर कवर करके अपनी फाइल लगाएं। अगर आपने अभी फाइल में कुछ नहीं अटैच किया और बाय चांस आपको रिफ्यूज़ल आ जाता है, तो ये जो गैप है 2020 टू 23 हो जाएगा जब आप दोबारा रीअप्लाई करेंगे, तो वो गैप को आप कभी भी फिल नहीं कर सकते। इसीलिए आप चाहे 1 ईयर का कोर्स लगाइए आफ्टर 12th, तो मैं आपको 100% कहूँगा कि आप कोई ना कोई कंप्यूटर कोर्स या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाकर अपने गैप को जरूर जस्टिफाई करें, ताँ जो अगर कल को आपको रिफ्यूज़ल आता है तो आपको इस गैप के बारे में कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी आपकी प्रोफाइल अच्छी है, जॉर्ज ब्राउन से अच्छा था अगर आप थोड़ा सा आउटर एरिया ले लेते, क्योंकि टोरंटो में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहता है। आपकी प्रोफाइल 6 ईच के साथ जा रही है, 68% के साथ जा रही है, तो ऐसी प्रोफाइल्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ जो एवरेज प्रोफाइल है, कि आप टोरंटो को, ब्रैम्पटन को, हैमिल्टन को छोड़कर अदर कोई जो एरिया है वो लें, ताँ जो आपको वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा रहे। फिर भी जनरल, आपके लिए हम दुआ करेंगे कि आपको जरूर वीज़ा आए। अशब दालीवाल, सर, आई रिप्लाई माई फाइल 3rd जून, रिप्लाई माई फाइल 3rd जून, देन हाउ कैन एक्सपेक्ट माई रिजल्ट। 3rd जून वाली फाइल्स पे काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, मुझे जो लगता है कि जो फाइल जून में लॉन्च होंगी उन सभी का रिजल्ट सितंबर से पहले पहले जरूर आएगा। अगर किसी कॉलेज का डेफरमेंट डेट बहुत जल्दी हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज सभी बच्चों को चांस मिलेगा सितंबर इनटेक में जाने का, क्योंकि एम्बेसी के पास काफ़ी अच्छे नंबर्स में अभी जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं, जो 500 न्यू वीज़ा ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया है, और आने वाले दिनों में जो प्रोसेसिंग है जरूर फास्ट हमें देखने को मिलेगी। गुरबाज औलख जी का क्वेश्चन है, सर, 2021 पास आउट, 10th 63%, 12th कॉमर्स 64%, IELTS 7 ईच 6, फाइल लॉन्च ऑन 1st of June, व्हेन आई विल रिसीव माई वीज़ा, चांसेस ऑफ वीज़ा, बिजनेस कोर्स, सेंट लॉरेंस कॉलेज, कॉर्नवाल कैंपस। गुरबाज सर, आपका जो प्रोफाइल है अच्छा प्रोफाइल है, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही, और आपने जो 12th किया है कॉमर्स के, उसके बाद बिजनेस कोर्स लिया है सेंट लॉरेंस में, एक अच्छा डिसीजन आपने लिया है, कोई भी इशू नहीं है, आप आराम से वेट करिए। आपकी फाइल लॉन्च हुई है 1st जून को, तो आपको जुलाई में जो रिजल्ट आने की उम्मीद है। गुरसाहिब सिंह अटवाल, सर, आई हैव पास्ड माई 12th विद कॉमर्स, सब्जेक्ट ओवरऑल परसेंटेज 72, अकाउंट 72, बिजनेस 70, इकोनॉमिक्स 63, इंग्लिश 78, फिजिकल एजुकेशन 80, मैथ्स 48, बैंड स्कोर ओवरऑल 7, नॉट लेस देन 6, माई कोर्सेज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव इन शेरडन कॉलेज, हाउ मच परसेंटेज ऑफ गेटिंग वीज़ा। गुर साहब, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है इसमें, मैथ में थोड़ा सा आपका स्कोर लो है, 50 से कम है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट काउंट होता है जब भी आपका स्कोर 50 से कम होता है, मगर आपका जो कोर्स है उसमें बहुत ज़्यादा मैथ की ज़रूरत नहीं है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव में, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो आपको काफ़ी अच्छे चांसेस हैं आपके वीज़ा के।
रमनीत बराड़सर, आई हैव अप्लाइड ऑफर लेटर ऑन 7th अप्रैल इन लैम्पटन कॉलेज फॉर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस कोर्स बट आई डोंट रिसीव ऑफर लेटर जेट, प्लीज़ टेल मी। रमनीत बराड़सर, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑफर लेटर अप्लाई किया हुआ है, जैसे इन्होंने 7th अप्रैल को किया था और आज 17th अप्रैल के आसपास जो डेट हो चुकी है, तो कम से कम एक मंथ से ज़्यादा समय हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में जिन बच्चों के पास ऑफर लेटर अप्लाई किए हुए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मैं उनको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक से ज़्यादा कॉलेज में अप्लाई ज़रूर करें। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर ऑफर लेटर फ्री होता है। अगर आप भी फ्री वाले कोर्स में या कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैम से बात करिए, वहाँ पर उनको बताइए कि ये मेरी प्रोफाइल है, ऑलरेडी मैंने ऑफ़र लेटर अप्लाई किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि एक और कॉलेज में मैं फ्री में ऑफ़र लेटर अप्लाई कर दूँ, तो आप मुझे ऑप्शंस दे दीजिए। तो वो ऑप्शंस आपको देंगे, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि किस में आपने फ्री में ऑफ़र लेटर अप्लाई करना है। बाई चांस कोई आपका ऑफ़र लेटर बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो आपका सेकेंड ऑफ़र लेटर है वो आपके काम आ सकता है। गुरप्रीत कौर, कैनाडोर ओपन फॉर जनवरी अटेक 2023। गुरप्रीत कौर जी, कैनाडोर ओपन हो चुका है, इसके कुछ कैंपस ओपन हो चुके हैं, कुछ कैंपस अभी क्लोज है, तो आप अपनी प्रोफाइल शेयर करिए 9551760001 पे। जो भी कैनाडोर या किस लोकेशन में आप चाहते हैं, वो सारी ऑप्शंस आपको हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी। विक्की रुतुरी जी, आई गॉट 7 इन लिसनिंग, 6.5 इन स्पीकिंग एंड 6 इन रीडिंग एंड 5.5 इन राइटिंग, कैन आई अप्लाई? विक्की रतूरी जी, जो 5.5 का स्कोर है वो बहुत ही आज के समय में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वीज़ा लेने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 5.5 पे पहले वीज़ा लेते थे। अगर आज से कोविड से पहले की बात करते हैं तो 5.5 पे अच्छे नंबर में वीज़ा आते थे, मगर आज के समय में जो चिनूक नाम का सॉफ्टवेयर है वहाँ पर 5.5 पे एक फिल्टर लगा हुआ है। जब भी आप अपनी फाइल लॉन्च करेंगे 5.5 पे, तो आपका बाकी स्कोर कुछ भी है तो उन्होंने सेम टाइम विद इन 15 डेज आपको रिफ्यूज़ल आ जाएगा, आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग में जाएगी नहीं, सॉफ्टवेयर ही उसको रिफ्यूज़ कर देता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जो बच्चे 5.5 पे कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर चाहे वो पैकेज करते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी करते हैं, पैकेज में भी आपका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपकी फ़ाइल में आपका कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, मगर आपकी फ़ाइल में एक रिफ्यूज़ल लग गया, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है। तो आप अपनी प्रोफाइल को पहले इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद ही अपनी फ़ाइल को लॉन्च कीजिए। बनवीर संधू जी का क्वेश्चन है, सर व्हेन कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट ऑफ नवंबर पेंडिंग फाइल्स? बनवीर संधू जी, जहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फाइल्स नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी सभी मंथ में आई हुई है, मगर कनाडा में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी मंथ वो कंप्लीट नहीं करते। जैसे नवंबर मंथ की फाइल्स को कंप्लीट नहीं किया, दिसंबर की स्टार्ट कर ली, दिसंबर को कंप्लीट नहीं किया, जैन को स्टार्ट कर लिया, जैन को कंप्लीट नहीं किया, फेब को कर लिया, फेब को कंप्लीट नहीं किया, मार्च को कर लिया, अप्रैल के रिजल्ट आ रहे हैं, जिनको रिफ्यूज़ल देना है वो मई के बच्चों को भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ फेब तक की या जैन तक के मंथ की फाइल प्रोसेस हो रही है, हर एक मंथ की फाइल प्रोसेस होती है। हर एक वीज़ा ऑफिसर को अलग अलग जो बैच चला जाता है, और जो वीज़ा ऑफिसर किसी मंथ की फ़ाइल निकालता है, कोई किसी की निकालता है, तो नवंबर मंथ की तो मैं 100% कोशिश मैं यही कहूँगा कि एम्बेसी की कोशिश यही होगी कि इसी जून मंथ में जो नवंबर और दिसंबर मंथ की दो फाइल्स हैं उनको सभी को क्लियर किया जाए। मगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, आपको एक वेब फॉर्म जरूर रेज करना चाहिए ताकि आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो सके। गेम मास्टर, सर आई नवजोत फ्रॉम फाजिलका, आई पास 10+2 स्ट्रीम मेडिकल विदाउट मैथ इन ईयर मार्च 2022, सजेस्ट मी कोर्स एंड विच इनटेक शुड आई रिप्लाई, माई मार्क्स 82%, आई स्कोर 7.5 विद 6 ईच, थैंक यू। गेम मास्टर, आपका जो प्रोफाइल है अच्छा प्रोफाइल है, कोई इशू इसमें नहीं है, 82% है मेडिकल में, विदाउट मैथ आपने किया है, 2021 पास आउट है, 7.5 नॉट लेस देन 6 है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। मगर जो मेडिकल में विदाउट मैथ है वहां पर आप कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम नहीं ले सकते, प्रैक्टिकल नर्सिंग जैसे प्रोग्राम नहीं ले सकते। अगर आपने कोर्स लेना है तो आप जनरल आर्ट्स एंड साइंस का प्रोग्राम ले सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एज ले सकते हैं, एसोसिएट ऑफ आर्ट्स ले सकते हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विसेज ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप 9551760001 पे आप कॉल कर लीजिए, नहीं अदरवाइज हमारा अबोहर में जो ऑफिस है वो फाजिलका के बहुत पास है, तो आप विजिट कर सकते हैं। जिस दिन मैं आऊँगा अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से मिल सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। गुरनाम सिंह, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2016 फ्रॉम बी कॉम एंड माई बैंड स्कोर इज ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6, आई आल्सो हैव 6 ईयर एक्सपीरियंस, कैन आई गेट वीज़ा फ्रॉम कैनेडा इन ओंटारियो?
गुरनाम सिंह, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, 2016 में बीकॉम किया था और 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस आप बता रहे हो, तो 100% आप वीज़ा ले सकते हो। आई स्कोर आपने जो बताया है वो बिल्कुल एलिजिबल है। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जहाँ बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है। आप अपनी प्रोफाइल शेयर करिए 9551760001 पे, मैम आपको सारी ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आप कोई भी ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। रोहित गुलाटी जी का क्वेश्चन है, सर आई लॉस्ट माई फाइल ऑन 17th Feb, बायोमेट्रिक अपडेट ऑन 22nd Feb, मेडिकल इन 1st March, SDS कैटेगरी 6.5, नॉट लेस दैन 6 इन सेंट क्लेयर कॉलेज विंडसर, वेन कैन आई एक्सपेक्ट माई PPR रिक्वेस्ट, 1072%, 1266 इन कॉमर्स इन अकाउंट्स 53, आई अप्लाइड इन सेंट क्लेयर कॉलेज विंडसर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट इन सितंबर एंड एक। रोहित गुलाटी जी, आपका जो प्रोफाइल है ठीक है, सिर्फ आपने अकाउंट्स में खुद ही बताया कि आपके 53 हैं, तो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो कोई इशू मुझे इसमें नहीं लगता। तो आपका जो कॉलेज है, कॉलेज विंडसर सेंट क्लेयर अच्छा रिजल्ट दे रहा है, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो भी आपका रेलिवेंट है, कोई इशू इसमें नहीं है, जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी बच्चा हमारे साथ अपनी फाइल प्रोसेस करना चाहता है तो हमारी कंपनी स्टूडेंट वीज़ा से कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लेती, फिर चाहे आपकी फ्रेश फाइल है, फिर चाहे आपकी रिफ्यूज़ल फाइल है, कोई इशू हमें इसमें नहीं है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं हमारे दोनों ऑफिस बठिंडा अबोहर, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप मेरे से मिल सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऑप्शन लेना चाहता है, बच्चा अप्लाई करना चाहता है, और बहुत सारे कॉलेज हमारे पास ऐसे हैं जो विदाउट ऑफर लेटर फीस अप्लाई करते हैं, यानी कि फ्री में ऑफर लेटर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने कहीं और से ऑफर लेटर अप्लाई किया है मगर आप चाहते हैं एक और ऑफर लेटर अप्लाई करना और वो भी फ्री में, तो आप नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ्री में अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कोशिश हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, फिर चाहे आपने फाइल लॉन्च कर दी है, या लॉन्च करने वाले हैं, या सोच रहे हैं कनाडा स्टडी वीज़ा के बारे में कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो आप हमारी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट Q&A सेशन की जो वीडियो होगी उसमें आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आपसे लास्ट में एक और भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।